in this budget through your appeal to the government. Thank you, sir. Thank you. Sri Guman Singh Damor. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय. मैं अमृतकाल के अगले 25 वर्षों के राष्ट्र के विकास पथ का रेखांकन करते हुए वर्ष 2047 तक भारत को गरीबी से मुक्त कराने वाले इस बजट को उसकी आधारशिला मानता हूं. मैं हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक समावेशी बजट प्रस्तुत किया है. महोदय, आप जानते हैं कि ये जो हमारा बजट है ये अमृतकाल का सप्तऋषि वाला बजट है, जिसकी 7 प्राथमिकताएं हैं. ये प्राथमिकताएं क्या है? ये प्राथमिकताएं हैं किसान, ग्रामीण जनसंख्या और जनजाति, महिला, सहकारिता और विश्वकर्मा, मध्यम वर्ग और वरिष्ठ नागरिक, MSME और व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल और युवा. सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब चर्चा के दौरान मैं सुन रहा था तो हमारे मित्रों ने उस अभिभाषण का खुलकर विरोध किया, हर बात का विरोध किया. और शुरुआत क्या की कि हमारी यात्रा के दौरान हमको देखने को क्या मिला. मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं मेरे मित्रों को कि आपको तकलीफ किससे है? आपको तकलीफ आदिवासियों से है, आपको तकलीफ विद्यार्थियों से है, आपको तकलीफ युवाओं से है, आपको तकलीफ किसानों से है, आपको तकलीफ विश्वकर्माओं से है, आपको तकलीफ हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से है? किससे आपको तकलीफ है? आपको परेशानी क्या है? तो मैंने मनन किया इस पर. पूरी बातें सुनने के बाद जो मैंने मनन किया वो ये निष्कर्ष निकला कि हमारे विपक्ष के मित्रों को तकलीफ है. तकलीफ इस बात की है कि इस देश की राष्ट्रपति, इस देश की महामहिम राष्ट्रपति जो कि आदिवासी समाज की है और आदिवासी समाज की हमारी राष्ट्रपति द्वारा जो बजट अभिभाषण पढ़ा गया उसको लेकर बहुत तकलीफ है. इन्होंने 50-60 साल तक आदिवासियों को नहीं देखा. इन्होंने 50-60 साल तक आदिवासियों को आगे नहीं बढ़ने दिया. हर तरफ से आदिवासियों को दबाया, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, हर क्षेत्र में आदिवासियों को दबाया. और अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जनजाति समाज, हमारा अनुसूचित जाति समाज, हमारा किसान, हमारा युवा सब दो तरफा विकास कर रहे हैं. ये हमारे विपक्ष के मित्रों को पसंद नहीं आया. मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि इस हमारे विपक्ष के मित्रों ने जो जनजाति समाज के हमारे जनजाति समाज के जो हमारे स्वतंत्रता वीर थे, सेनानी थे, उनको पूरी तरीके से भुला दिया. वो कौन थे मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश से रानी दुर्गावती, राजा शंकर शाह, टंटिया भील, उत्तराखंड से नंदराम नेगी, केसरी चंद, बिहार से हमारे भगवान बिरसा मुंडा, नहीं झारखंड से भगवान बिरसा मुंडा, बिहार से तिलका मांझी, वीरांगना सिंह निधई, ऐसे तमाम हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, पर उनको कभी याद नहीं किया और उनके इतिहास के ऊपर और कचरा डाल दिया. ये है हमारे विपक्ष के मित्रों का. आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो हमारे जनजाति स्वतंत्रता संग्राम के जन नायक थे आज उनका मान सम्मान किया है. आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 15 नवंबर 2021 को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भोपाल आए और भोपाल में आकर 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती के अवसर पर गौरव दिवस घोषित करके पूरे देश के जनजाति समाज को गौरवान्वित महसूस किया है. ये काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है. तो ये बातें हमारे विपक्ष के मित्रों को कैसे पसंद आएगी जब हमारे जनजाति समाज आज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जुड़े हैं, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है कि इनका साथ छोड़ दिया और ये आज अन्ना जैसे हो गए. इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनके साथ कोई घूमने वाला नहीं है. ये स्थिति कर दी है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने, इसलिए इनको पेट में दर्द है और इसीलिए हमारी यशस्वी
महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का विरोध किया। यही कारण है कि आदिवासी समाज को देखना नहीं चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, बजट भाषण राष्ट्रपति महोदया द्वारा पढ़ा गया है और यह उनका सम्मान करना चाहिए था। इसलिए नहीं, हमारे अभिभाषण की बात कर रहा हूं, अभिभाषण करेक्ट योरसेल्फ, आई थिंक दैट स्लिप। इसमें मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे देश में आज लगभग 12 करोड़ जनजाति है। जनजाति की आबादी 12 करोड़ है। इस 12 करोड़ जनजाति की आज तक 50-60 साल तक अनदेखी होती रही और आज पहली बार मान सम्मान हो रहा है। तो इस मान सम्मान के कारण आपके पेट में दर्द क्यों उठ रहा है? आपको क्या परेशानी है? आपको सम्मान करना चाहिए कि पहली बार पिछड़े कुचले वंचित लोगों को उनका अधिकार दिया जा रहा है, उनको समाज में बराबरी का अधिकार दिया जा रहा है। तो यह आपको सम्मान करना चाहिए। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि राजस्थान का एक मानगढ़ धाम है जहां पर 1500 आदिवासियों को भून दिया गया था, परंतु इतिहास में उसका जिक्र नहीं हुआ। पहली बार 1 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री गए और माननीय प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि व्यक्त की उन 1500 जनजाति वीर नायकों की। तो यह मान सम्मान की बात है, यह गौरव जगाने की बात है। और इसके साथ साथ इतना ही नहीं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री गरीबों के लिए हर प्रकार की योजना को लेकर आए हैं, गरीबों को आर्थिक रूप से सक्षम कर रहे हैं, शैक्षणिक रूप से सक्षम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पिछले 2 सालों में 80 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क अनाज दिया गया है। मेरे विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के लगभग 95% आबादी को इसका लाभ मिला है। मैंने पूछा, मैं झाबुआ में गया, मैं अलीराजपुर में गया, मैं रतलाम में गया, मैंने वृद्ध महिलाओं को पूछा, हमारी बेटियों को पूछा, बहनों को पूछा कि ये आपको कौन दे रहा है। हर कोने से आवाज आए कि बाबा प्रधानमंत्री दे रहा है। बाबा हमारे यहां बड़ा मान सम्मानजनक शब्द है, बाबा प्रधानमंत्री दे रहा है। मैंने कहा बाबा कौन? तो मोदी जी दे रहे हैं। आज गांव गांव में, घर घर में मोदी जी का नाम लिया जा रहा है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और क्यों नहीं लेना चाहिए। मेरे क्षेत्र में लगभग सभी आवासहीनों को, भूमिहीनों को प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं। जो 2 करोड़ 79 लाख जो आवास घर बनाए गए हैं, उसका अधिक लाभ जनजाति समाज को मिला है, आदिवासी समाज को मिला है। आज आजादी के अमृत काल में पहली बार जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, जो 75 प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, उन 75 प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए प्रधानमंत्री पीवीजीटी मिशन चलाया गया है। और इन 75 समूहों के लिए भारत शासन द्वारा 15 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। 75 जो जनजाति समूह है, इनके लिए 75 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। और इस कार्य को जो पिछड़े हुए हैं उनको बराबरी पर लाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इस 15,000 करोड़ से वहां सड़कें बनेगी, पीने का पानी की व्यवस्था होगी, वहां मोबाइल के टावर लगेंगे, वहां स्कूल बनेगी, वहां स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेगी। आज यह किसने सोचा? यह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री परमादरणीय मोदी जी ने सोचा है। हमारे क्षेत्र में उज्ज्वला गैस के अंतर्गत लगभग सभी परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। मेरा क्षेत्र वनवासी क्षेत्र है, जंगल वाला क्षेत्र है, वहां पर विद्युत एक बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी। चंद्रशेखर आजाद का जो जन्मस्थली है, चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली अलीराजपुर जिले में भाबरा नामक की जगह है, उस भाबरा विकासखंड में वन होने के कारण विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा था। पर मुझे ये कहते हुए खुशी है और गर्व भी है कि सौभाग्य योजना के अंतर्गत 100% घरों में विद्युतीकरण हो गया है और आज हमारा आदिवासी भाई बल्ब की रोशनी में अपना जीवन यापन कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत
हमारे हर आदिवासी भाइयों को घर में शौचालय बने हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा अगर ध्यान दिया गया है तो शिक्षा को लेकर दिया गया है। मेरे हर एक विकासखंड में, मेरे लोकसभा क्षेत्र के हर विकासखंड में एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल हैं और एक स्कूल में 490 बच्चे पढ़ते हैं और इन बच्चों के साथ साथ इन बच्चों के लिए प्लीज कंट्रोल हमारे 38,800 शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती हो रही है तो हमारे क्षेत्र में गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिलेगी। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जनजाति समाज के लिए दूसरा कार्यक्रम जो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, 112 आकांक्षी जिले बनाए हैं और ये सभी आकांक्षी जिले जनजाति जिले हैं। इन आकांक्षी जिलों में सब तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी। दूसरा जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और हमारी फ्लैगशिप स्कीम है जल जीवन मिशन, घर घर से। मैं आपको अध्यक्ष महोदय बताना चाहता हूं, सभापति महोदय बताना चाहता हूं कि हमारी माताओं बहनों के सिर के बाल घिस गए थे पानी दूर से लाते लाते, आज उन माताओं बहनों के चेहरे पे चमक है, खुशी है, गौरव का भाव है क्योंकि उनके घर में नल से पानी मिल रहा है। इस प्रकार से जनजाति क्षेत्रों में इस बजट में, जनजाति क्षेत्र का इस बजट में हर प्रकार से विकास करने का प्रयास किया है। तो मैं इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और हमारे वित्त मंत्री सीतारमण जी को। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं हमारे रेल मंत्री जी का। हमारे रेल मंत्री जी ने हमारी इंदौर दाहोद रेलवे लाइन जो मेरे लोकसभा क्षेत्र से गुजरती है उसके लिए 440 करोड़ और दूसरे एक हमारी छोटा उदयपुर से धार वाली रेलवे लाइन के लिए 355 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय नितिन गडकरी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे क्षेत्र से ग्रीनवे 8-लेन एक्सप्रेसवे का कार्य पूर्ण कर दिया गया, 100% कार्य पूर्ण कर दिया गया है और जब भी चाहे मैं माननीय मंत्री जी को निमंत्रण देता हूं कि वो आकर उसका शुभारंभ करें। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो जनजाति समाज के विकास के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी है। मध्य प्रदेश में जनजाति विकास के लिए एक और कानून आया है, वो है पेसा एक्ट, जो संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधान के अनुसार मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2022 को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पेसा एक्ट लागू करने की घोषणा हमारे मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में की। अब उस पेसा एक्ट लागू होने से हमारे जो आदिवासी भाई हैं उसको अगर एक लाइन में कहूं तो वो जल, जमीन और जंगल के मालिक बने हैं। ये देश में पहला राज्य है मध्य प्रदेश जहां पर जनजाति समाज के लिए उनके घर पर राशन पहुंचाया जा रहा है। हमारे मध्य प्रदेश में जनजाति में जो सबसे बड़ी बीमारी है सिकल सेल, उसका 100% स्क्रीनिंग करके उनके इलाज का काम भी किया जा रहा है। हमारे इस बजट में 2047 में सिकल सेल के समाप्त करने की बात कही है परंतु मध्य प्रदेश में यह काम शुरू हो गया है। और मैं तो आपसे, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि क्या ऐसे प्रधानमंत्री जो समाज के सभी वर्गों का ध्यान रख रहे हैं, सभी वर्गों के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्या उनको भारत रत्न नहीं दिया जाना चाहिए? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री को भारत रत्न देना चाहिए। मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले एक बात और कहता हूं, एक लास्ट लाइन कहता हूं, तेवर तो हम वक्त आने पर दिखाएंगे ही, तेवर तो हम वक्त आने पर दिखाएंगे ही, चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, हुकूमत तो हम ही चलाएंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। थैंक यू श्री मिटियास जलील।